जा रहे हैं वो जीएनई सिमुलेटर के बारे में फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग हम लोगों ने लेक्चर नंबर 22 में यानी ब्रांच इंस्ट्रक्शन ग्रुप में हम लोगों ने जो लेक्चर को डिस्कस किया था उसमें कुछ एग्जांपल लेकर चले थे हम लोग। लेक्चर नंबर 22 में हम लोगों ने 7 प्रोग्राम को डिस्कस किया था और उसके रिजल्ट को कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्सेप्ट विच वी हैव बिल्ड अप टिल नाउ। ओके, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था और उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया था। तो उसको हम लोग अब क्या करेंगे, जीएनयू सिम के थ्रू यानी सिमुलेटर के थ्रू हम लोग सेम प्रोग्राम को रन करेंगे और रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज जो रिजल्ट आया था सॉल्व करके उस एग्जीक्यूट करके, क्या ये वही रिजल्ट है या फिर समथिंग इज़ डिफरेंट। ओके, क्या कुछ डिफरेंस है या फिर वही सेम रिजल्ट है ये। तो हम लोग चलते हैं उधर और चलने के बाद देखते हैं कि क्या अलग चीज़ है। तो देखिए, पहले से मैंने सेव करके रखा है वो सारे प्रोग्राम को, मैंने कहा पहले आपको। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जंप इंस्ट्रक्शन की तरफ, यानी कि कंडीशनल जंप अनकंडीशनल जंप। तो पहला अनकंडीशनल जंप के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनकंडीशनल जंप में हम लोगों ने वहाँ पे ये प्रोग्राम को देखा था जो मैंने वहीं से उठा के यहाँ रखा है ऑलरेडी। आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी करने की जगह क्या करेंगे, सिंपली इसको टाइप करेंगे और टाइप करके फिर उसके बाद सेव कर देंगे। बताया सेव कर देंगे, सेव करने के बाद असेंबल करेंगे यहाँ से। असेंबल करने के बाद जब यहाँ पे मैसेज शो कर जाएगा कि असेंबल सक्सेसफुली, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, असेंबल कर लेता हूँ। तो देखिए, असेंबल करने के बाद यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम असेंबल सक्सेसफुली। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। इस प्रोग्राम में हम लोगों को क्या देखना है, जैसा आप मतलब लेक्चर नंबर 22 में ये पहला प्रोग्राम वहाँ का था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अनकंडीशनल जंप, यानी अगर जंप मेंशन है कहीं इंस्ट्रक्शन में तो वहाँ पे क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा और आगे जो भी इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखिए, इसमें देखते हैं पहला क्या है, MVIA। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आपका 07 जो है वो एक्यूमुलेटर में मूव कर जाएगा। तो हम लोग एक मेमोरी लोकेशन ओपन कर लेते हैं और उसमें हम लोग इसको राइट कर लेते हैं। कौन से लोकेशन से इसको ओपन राइट करना शुरू करें, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 001 से। ओके, 001 से करना। तो यहाँ पे हम लोग मेमोरी लोकेशन को लिख लें कि इस मेमोरी लोकेशन से हमको स्टार्ट करना। ओके, तो स्टार्ट करना जब भी होता है तो इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है कि यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा MVI। प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना वहाँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, 001 से शुरू कर रहे हैं। तो पहला 001 में ये चला जाएगा और यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट क्या होगा, अपने आप सॉरी प्रोग्राम काउंटर का जो लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन अपने से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे 001 है तो इस पे क्या जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे अपने आप। तो देखिए, पहला जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट अपडेट होने के बाद 003 हो गया ना, और ये 07 कहाँ मूव कर गया, एक्यूमुलेटर में मूव कर गया। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है 07H। क्लियर, साथ में यहाँ बताया मेमोरी लोकेशन अपडेट होता जाएगा बारी बारी से। तो 001 पे क्या जाएगा, आपका MVI का ऑपकोड फिच जाएगा, ऑपकोड फिच का जो डेटा बाइट होगा वो जाएगा। सेकंड में 02 में क्या जाएगा, आपका 07 जो यहाँ पे 07H लिखा हुआ है, 07 हेक्साडेसिमल में है तो डेसिमल में भी ये 07 ही होगा, तो ये 7 स्टोर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो बी में क्या जाएगा, 05 जाएगा। तो अगला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। तो अगला इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, देखिए बी में आ गया 05, सी ब्लैंक है। प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, यहाँ 01 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 03 हो गया था 2 बाइट, फिर उसके बाद 2 बाइट यहाँ है तो 05 हो जाएगा। तो अब देखिए प्रोग्राम काउंटर 05 हो गया। यहाँ सेम मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, 04 पे आपका क्या आएगा, 04 पे आएगा आपका 05। तो देखिए 04 पे आपका 5 जो है डेटा बिट वो स्टोर हो गया, और 03 पे क्या है, MVI B जो है ऑपकोड फेच वो स्टोर हो जाएगा, ऑपकोड फेच अब स्टोर हो गया। तो सब चीज़ यहाँ पे क्या है, बारी बारी से अपडेट हो रहा है और यहाँ पे रजिस्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लैग, अभी तक कोई भी फ्लैग सेट नहीं किया, अभी तक हम लोग यहाँ चले आए 3 लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा ऐड बी, तो ऐड बी जैसे भी एग्जीक्यूट किया आपका पैरिटी फ्लैग सेट कर गया 1। ओके, तो ऐड बी कीजिएगा तो नंबर ऑफ 1 काउंट कीजिएगा, यानी 07 और 05 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, 0CH आएगा आउटपुट, जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 0CH। ओके, जब 0CH आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा तो आपका ये क्या बोलते हैं, पैरिटी फ्लैग क्या होगा, तो 0C क्या होता है, 12 होता है, 000 लिखाएगा और C को लिखेंगे हम लोग 1100 लिखेंगे, तो 11 का मतलब 21 आएगा, 21 का मतलब इवन, तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। हो गया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट तो मालूम है कैसे सॉरी प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप इंस्ट्रक्शन है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या, अनकंडीशनल जंप है। अनकंडीशनल जंप का मतलब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये कितने पे है अभी, अभी ये 0006 पे है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट
यहाँ से उठ के यहाँ कहाँ जाएगा, 006 के बाद इसको जाना चाहिए 007 पे, 008 फिर 009 और ये है 00A पे है। तो ये क्या है, इन तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ना करके डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, इंड पे चलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंप के साथ जो मेमोरी लोकेशन लिखा हुआ है उसके आगे टैग दिया हुआ है इंड का, और इंड पे कौन सा मेमोरी लोकेशन आएगा, इंड पे मेमोरी लोकेशन आएगा 000A। कॉल्ड कैलकुलेट कीजिए यहाँ से, तो कैलकुलेट किया ये 0006 पे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0006, तो ये हो जाएगा 007 वन बाइट का है, ये भी वन बाइट, ये भी वन बाइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा 0009। और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन जो इसके सामने आएगा वो मेमोरी लोकेशन कौन सा होगा, 000A हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके बाद INR A को एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखिए क्या एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये तीनों को जंप कर गया, और जंप करने के बाद डायरेक्ट इंड पे चलाया, आ गया। मेमोरी लोकेशन क्या हो गया आपका, बढ़ के डायरेक्ट आपका किस पे चलाया, 000C पे। अब ये क्या है कि इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो ये जंप इंस्ट्रक्शन क्या है, 3 बाइट का है। मालूम है कि जंप के साथ क्या होता है, मेमोरी लोकेशन आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, मतलब मेमोरी लोकेशन क्या होता है इसके साथ ऐड होता है, जो 2 बाइट का होता है। तो यहाँ से 3 जंप करेगा, यानी 6 था यहाँ पे, तो यहाँ से जब 3 जंप करेगा तो कितना हो जाएगा, 009 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 00A यहाँ पे आएगा, 00B यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00C आ जाएगा। अगर ये 1 बाइट का हम लोग कंसीडर करते तो यहाँ पे क्या आता, 00A आता, जो मैं पहले बोल रहा था, ठीक है। लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होता है, यहाँ पे हम लोग इंड ने, इंड जो लिखा है वो नेम है, मैंने दे दिया कि इंड वो जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे चले जाओ, लेकिन इंड जहाँ पे लिखा हुआ उसके सामने मेमोरी लोकेशन क्या होगा, तो उसके सामने मेमोरी लोकेशन होगा 000C। तो आपका जैसे ही इंड के बाद, यानी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद, जैसे ही प्रोग्राम काउंटर कहाँ जंप कर जाएगा, सीधे यहाँ पे चलाएगा, इंड पे चलाएगा, ये तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ऐसा जंपिंग कहलाएगा अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ऐड के बाद रिजल्ट क्या आया था आपका, ऐड करने के बाद यानी यहाँ पे एक्युमुलेटर का रिजल्ट है 0C, तो ये डायरेक्ट जंप होकर यहाँ चला गया, इंक्रीमेंट हुआ नहीं, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्युमुलेटर का रिजल्ट 0C ही रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एक्युमुलेटर का कंटेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0CH हो जाएगा। ओके, यही हम लोग लेक्चर नंबर 22 में इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया था तो कॉन्सेप्ट वाइज भी हम लोगों का यही रिजल्ट आया था। आप लोग लेक्चर नंबर 22 में जाके रिजल्ट को मैच कर सकते हैं। ओके, हम लोग आगे चले नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, इसके बाद वाला, अभी तो एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो लास्ट एग्जीक्यूशन क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर अभी यहीं पे, अभी इसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। इसका क्या है, प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट, प्रोग्राम काउंटर मेमोरी लोकेशन क्या दिखा रहा है, 000C। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ना प्रोग्राम काउंटर का फिनिश हो जाएगा एग्जीक्यूशन, तो क्या हो जाएगा, 000D पे जाके प्रोग्राम काउंटर रुक जाएगा। देखिए 000D पे गया, अब एग्जीक्यूशन होना बंद हो गया, यानी आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो कोई पूछेगा कि इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट क्या होगा, यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर कौन सा मेमोरी लोकेशन स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा 000D। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं वापस चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग ओपन कर लें। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा, अनकंडीशनल हम लोग देख लिया, अनकंडीशनल के बाद हम लोग कंडीशनल देखेंगे जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और एक देखेंगे कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। पहले निकालते हैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जिसमें। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को अगर हम लोग देखें तो इसको सेव कर लेते पहले जो मैंने चेंजेस किया। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस था, तो ये सेकेंड पार्ट है। तो पहला क्या है, पहले हम लोग सबसे पहला कोई भी प्रोग्राम को जब हम लोग रन करते हैं तो पहले मेमोरी लोकेशन और सारा रजिस्टर सारे फ्लैग को रिसेट कर देते हैं। तो देखिए सब कुछ रिसेट हो गया, पूरा हर चीज़ 00 दिखाई दे रहा है, सब रिसेट हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ से एग्जीक्यूट करें, इसको मेमोरी लोकेशन कुछ दे देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, कि कहाँ से एग्जीक्यूट करना है वो आप पे डिपेंड है, कि जहाँ से आप चाहें, यानी इस प्रोग्राम को जिस मेमोरी लोकेशन पे आप रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि 00 से इस बार स्टार्ट हो, हर बार 001 से था, इस बार हम चाहते हैं कि 00 से स्टार्ट हो। ओके, तो 00 से स्टार्ट हो तो हम इसको कर देंगे 00, और उसका कहेंगे यहाँ से स्टार्ट होना। ओके, 00 से, तो चलिए 00 से जब स्टार्ट करेंगे तो पहला इंस्ट्रक्शन जब आएगा यहाँ पे, पहला इंस्ट्रक्शन पे आपका प्रोग्राम काउंटर पहुँच गया 000 पे, 000 पे पहुँच गया। अब क्या है, जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, 000 पे तो आपका ये क्या जाके फेच होगा, तो ऑपकोड फेच होगा MVI A का। 0001 पे क्या फेच होगा, आपका ये डेटा बिट फेच होगा। और अगला इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी लोकेशन क्या शो करेगा, 0002 शो करेगा। तो देखिए यही शो कर रहा है, 000 पे क्या है आपका ऑपकोड फेच MVI A हो गया। 001 पे क्या हो गया, आपका 7 जो है आपका एक्युमुलेटर में जिसको मूव कराना था वो 7 आ गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं बी के बारे में, तो पहला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी पहला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, एक्युमुलेटर में क्या मूव कर गया, 07H मूव कर गया। देखिए
एक्यूमुलेटर में 07H मूव कर गया। अब क्या है, 05 को मूव कराना है रजिस्टर बी में, तो ये कर लेते हैं रजिस्टर बी में 05 मूव कर गया, वो सेम है जो पहले किया था, फिर ऐड करना है तो अब ऐड करा दें, ऐड कराने के बाद 0C उसमें भी आता है, इसमें भी आ गया। अब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है जंप इफ कैरी फ्लैग इज सेट, कह रहा है कि जंप कीजिए जब कैरी फ्लैग आपका सेट कर जाए, यानी सी का इक्वल टू सी इक्वल टू वन हो जाए। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट किया कि नहीं, तो रिजल्ट क्या है आपका 0C है, 0C का मतलब MSB बिट तो 0 है पहले से, तो कोई फ्लैग जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए कैरी फ्लैग क्या है, वैल्यू सी इक्वल टू 0 है, तो सी इक्वल टू 0 है तो क्या ये इंड पे जंप करेगा या फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, सी इक्वल टू 0, अगर सी इक्वल टू 1 होता तो ये डायरेक्ट इंड पे चलाता, लेकिन कैरी फ्लैग क्या है यहाँ पे तो 0 शो कर रहा है क्योंकि कैरी जनरेट ही नहीं हुआ, 0C रिजल्ट आया तो कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसलिए अगला ये कहाँ जाएगा, अब प्रोग्राम काउंटर कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हॉल्ट वाले को या INR वाले को, तो INR वाले को, क्यों, क्योंकि सिक्वेंशियली चलता रहेगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो देखिए अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसमें INR पे आ गया आपका प्रोग्राम काउंटर आ गया, इसको जबकि जाना चाहिए था हॉल्ट पे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आया था लास्ट पे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, कैरी फ्लैग 0 था, कैरी फ्लैग 1 नहीं था, अगर कैरी फ्लैग 1 होता तो ये डायरेक्ट यहाँ आ जाता। तो अब इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले से 0C आपका एक्यूमुलेटर में था, अब इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा 0D हो जाएगा, देखिए तो 0D हो गया, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा तो फिर से कितना हो जाएगा 0E हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा तो फिर से इंक्रीमेंट करेगा 0F हो जाएगा, हो गया, और उसके बाद क्या करेगा हॉल्ट पे चला जाएगा, तो हॉल्ट पे चला गया, ओके हॉल्ट जब यानी एक बार इसको और एग्जीक्यूट किया तो हॉल्ट पे चला गया, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या आ गया 10H आ गया, इंक्रीमेंट करते करते यानी 0C से चला, तो कितना बार इंक्रीमेंट करना है 4 बार, तो 0C से हो गया 0D 0E 0F और उसके बाद 10H कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो गया। अब हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में जाके कंटेंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कोई आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए प्रोग्राम काउंटर जाएगा कि यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा 0000D पे। यहाँ पे देखेंगे कैरी फ्लैग क्या है, तो कैरी फ्लैग 0 है, एक्सिलरी कैरी 1 है, ठीक है, जबकि आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 10 है। तो इसमें क्या देखा हम लोग, ये जो कंडीशनल जंप था वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये कंडीशनल जंप कब कंडीशन को सेटिस्फाई करता, जब कैरी का वैल्यू 1 हो जाता, यहाँ पे कैरी का वैल्यू 0 था इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, और कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये जो जंप यहाँ से यहाँ करना था ये जंपिंग नहीं हुआ, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशनल जंप में जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो प्रोग्राम काउंटर सिक्वेंशियली जैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था वैसे ही एग्जीक्यूट करता चला जाता है, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ये क्या करता है, जंप कर जाता है गिवन मेमोरी लोकेशन पर, जो मेमोरी लोकेशन यहाँ दिया रहता है वहाँ पर वो जंप कर जाता है और वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, क्लियर। चलिए ये वाला भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। देखिए अब हम लोग देखेंगे जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो देखिए ये आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसके लिए भी हम लोग जब नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन कर लिया तो सारे फ्लैग सारे मेमोरी को रिसेट कर लें, क्लियर कर लें, क्लियर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को आ गए, ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो आप देखिएगा लेक्चर नंबर 22 में, ये थर्ड प्रोग्राम है जिसमें आपका कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे सेटिस्फाई होता है, क्या होता नहीं होता, इसमें क्या है, इसको रन करते हैं बारी बारी। तो पहला वाला रन होगा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं मेमोरी लोकेशन शुरू से वही लेके चलते हैं 00, ओके। तो पहला वाला मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, जब सेलेक्ट हो गया तो आपका MVI A वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और एक्यूमुलेटर में क्या मूव कर गया, आपका 7 मूव कर जाएगा, वैसे ही जैसे हमने कहते हैं B जब एग्जीक्यूट होगा तो 05B में मूव कर जाएगा, मूव कर गया। फिर क्या होगा, ऐड होगा तो 0C हो जाएगा रिजल्ट। अब ये कंडीशन आ गया, देखिए कंडीशन क्या कहता है कि इफ़ कैरी फ्लैग इज़ रीसेट जंप विथ नो कैरी, इसका मतलब है जंप विथ नो कैरी, नो कैरी का मतलब कैरी फ्लैग जब 0 हो, कैरी फ्लैग जब 0 हो तो आपको जंप करना है सीधे इंड पे। तो कैरी फ्लैग देखिए, तो यहाँ स्टेटस में फ्लैग में क्या दिखा रहा है, कैरी फ्लैग 0 है, तो अब हम जब आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके बाद प्रोग्राम काउंटर कहाँ जाएगा, सीधे चला जाएगा इंड पे, यहाँ पे बीच वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो हम लोग देख लें यही होता है कि कुछ और होता है, देखिए जैसे ही किया तो ये यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ आ गया, आ गया यहाँ इंड पे चला गया, यानी कि आपको यहाँ पे कैरी फ्लैग 0 था इसलिए ये डायरेक्ट ये तीनों इंस्ट्रक्शन को स्किप कर जाएगा और डायरेक्ट प्रोग्राम काउंटर आपको यहाँ पे आ जाएगा और हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ये बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में, 0CH जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कंडीशनल जंप था और कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम काउंटर डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पर जंप कर जा रहा है जहाँ पर उसको भेजा जाना था और वहाँ से फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। इससे पहले वाले में क्या होता था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो जंपिंग नहीं हो रहा था, इसमें फिर से क्या हो गया, जंपिंग हो गया,
ओके। तो ये तीनों आपका जंप का यानी ब्रांच इंस्ट्रक्शन का आपका स्पेशल प्रोग्राम था, जिसमें मुझे समझाना था कि नॉर्मल जंप कैसा होता है, कंडीशनल जंप कैसा होता है, जब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब कैसा होता है, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तब कैसा होता है। अब हम लोग चलते हैं चार वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेक्चर 22 में डिस्कस किया था और कहा था गेट में पूछा गया, वो भी जंप से रिलेटेड है लेकिन क्या है गेट में पूछा गया है, तो हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं। तो देखिए ये वो चार इंस्ट्रक्शन है जिसको पूछा गया है गेट में। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए एक और खास बात बताते हैं, यहाँ पे अगर जंप कंडीशन, जहाँ पे भी जंप कंडीशन या कोई भी ब्रांच ऑपरेशन रहता है उसके सामने अगर मेमोरी लोकेशन लिखा रहा है तो डायरेक्ट लोकेशन पे चला जाएगा, और अगर कोई नाम दिया रहा है, ये सब नाम है, तो वो जहाँ नाम होता है वहाँ पे शिफ्ट कर जाता है आपका प्रोग्राम काउंटर। लेकिन प्रोग्राम काउंटर में नाम स्टोर नहीं होता बल्कि मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन, इस लाइन का इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपका लिखा होगा उसका कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, तो प्रोग्राम काउंटर में इसका मेमोरी लोकेशन जाता है ना कि ये नाम जाता है। ये नाम तो हम अपने आसानी के लिए दे दिया है कि ये नाम पे, इस नाम जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ वहाँ पे जंप कर दो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो प्रोग्राम काउंटर में जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देंगे। और हाँ, जब भी नाम लिखे हो तो यहाँ पे कोलन डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कोलन जो है ना, ये जो कोलन अगर हम लोग हटा देंगे, देखिए अगर हम लोग कोलन हटा दें तो आपको क्या एरर मैसेज देने लगेगा। अगर हम कोलन हटा दें और असेंबल करें इसको, इस प्रोग्राम को, तो देखिए प्रोग्राम हैज़ एरर, चेक द मैसेज पेन। तो कहाँ पे एरर बता रहा है, तो ये कह रहा है लाइन 6 जो है इनवैलिड है, लाइन 6 में एरर है जो कि इनवैलिड ऑफ कोड को दिखा रहा है। लाइन 6 यही है, 6 में है, 6 में क्या है, कोलन छूट गया, तो यही बता रहा। तो कोलन हम इसको देंगे फिर से तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग इसको असेंबल करेंगे तो ये असेंबल ले लेगा और कहेगा सक्सेसफुली, देखिए प्रोग्राम असेंबल सक्सेसफुली। तो एक कोलन भी अगर छूट गया तो प्रोग्राम गलत हो सकता है, तो ध्यान देके एकदम दीजिएगा, जब भी टाइप कीजिएगा तो सही से टाइप कीजिएगा ताकि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली असेंबल हो सके, तब उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो असेंबल हो गया, अब हम लोग एग्जीक्यूट करने जाएं इसको। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप तो आपको पता है कि एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा आपको, तो उससे पहले क्या करते हैं, पहले रिसेट कर लेते हैं सारे मेमोरी। जब भी कोई नया प्रोग्राम लाते हैं तो पहले सारे मेमोरी, सारे फ्लैग, सारे रजिस्टर को क्या करते हैं, रिसेट कर लेते हैं, रिसेट ऑल करके हो गया। अब हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, चलिए हम लोग 00 से एग्जीक्यूट करते हैं, मेमोरी लोकेशन 00 देते हैं, उसी से एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला MVI, पहला क्या है, MVI जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो पहले 00 पे क्या जाएगा, MVI का ऑपकोड फेस जाएगा। 001 पे क्या जाएगा, 92 जाएगा। 92 का आपका ये हेक्साडेसिमल है, आपको क्या चाहिए, यहाँ क्या आता है डिसिमल में आता है, तो 92 का डिसिमल देख लीजिए, 2 डिसिमल तो होता है 146। यानी 001 पे जो है मेमोरी लोकेशन 001 पे जो है वो 92 ना जाके वो क्या जाएगा, 146 डिसिमल में जाएगा। तो देखिए 001 पे जो है मेमोरी लोकेशन उस पर क्या स्टोर हुआ, 146 हो गया स्टोर। तो ये तो आपको मैंने समझा चुके हैं बार बार कैसे मेमोरी लोकेशन अपडेट होता है, तो बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ऑपरेशन क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होगा तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट अभी क्या है, 00 है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 92 एक्यूमुलेटर में मूव कर जाएगा। देखिए एक्यूमुलेटर में 92 मूव कर गया, हो गया। अब क्या है, मेमोरी लोकेशन प्रोग्राम कंट्रोल क्या होगा, 002, क्योंकि 2 बाइट का था, 2 बाइट शिफ्ट कर गया। अब ये जब और ऑपरेशन होगा तब क्या होगा, और ऑपरेशन होगा तो ये क्या होगा, चेक करेगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, किस तरह का, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है तो बाकी फ्लैग आपका सेट रिसेट करता है, यानी साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ये सारा क्या होता है, चेंज करता है। तो हम बात कर रहे हैं और ऑपरेशन जब परफॉर्म हुआ तो आपका साइन फ्लैग क्या हो गया, देखिए साइन फ्लैग 1 हो गया, 0 से 1 हो गया। जब साइन फ्लैग 1 होता है तो क्या होता है, रिजल्ट निगेटिव होता है, रिजल्ट निगेटिव होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, जंप विथ प्लस, कह रहा है अगर आपका रिजल्ट जो है वो प्लस है तो जंप कर जाइए आउटपुट पोर्ट पर, और अगर रिजल्ट आपका निगेटिव है तो आप क्या कीजिए, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कीजिए। यानी जब रिजल्ट निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जंप नहीं करेगा बल्कि इसके बाद एक्सॉर वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, साइन फ्लैग 1 है, साइन फ्लैग 1 होने का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट निगेटिव है, रिजल्ट निगेटिव है मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये कंडीशन किसके लिए था, जंप इफ प्लस इज देयर, यानी रिजल्ट इज पॉजिटिव तब जंप करना था, यहाँ तो रिजल्ट निगेटिव आ गया। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अगला इंस्ट्रक्शन कौन होगा एग्जीक्यूट, एक्सॉर वाला एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, जंपिंग वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो आपका प्रोग्राम काउंटर डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाता आउटपुट पोर्ट पे, लेकिन अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब क्या होगा, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो देखिए अगला ऑपरेशन जो होगा फिर एक्सॉर ऑपरेशन होगा, हो गया होगा एक्सॉर ऑपरेशन, यानी अब क्या ए को ए से एक्सॉर होगा, ए को ए से एक्सॉर करेंगे तो क्या होता है, 00 होता है। तो देखिए अभी एक्यूमुलेटर का कंटेंट 92 है और 92 को फिर दोबारा 92 से एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 00 स्टोर होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट 00 हो गया, हो गया, यानी ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब लास्ट है क्या कि जो अब एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको FA यानी आउटपुट पोर्ट पे जाइए और FA जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे ले जाके एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर कर दीजिए। तो हम लोग इनपुट आउटपुट पोर्ट पे चले,
तो इनपुट आउटपुट पोर्ट पे आ गए। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट का लोकेशन देखें कौन सा है, FA पे चलेंगे, FA। तो देखिए FA कहाँ है, ये FA है, यहाँ पे क्या पहले से स्टोर है, जीरो पहले से स्टोर है, और हमको स्टोर क्या करना है, फिर से जीरो जीरो यानी जीरो ही स्टोर करना है। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जीरो मतलब कोई फर्क पता नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो ही स्टोर करना है, तो वहाँ पे वही जीरो ही लिखाएगा। देखिए ये चला गया और अब चेंज हो गया आपका इनपुट आउटपुट, यानी कि यहाँ पे जीरो अब चला गया, पहले से जो था वही जीरो। अगर कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट होता सपोज 27, या फिर मालूम होता अगर होता 5, तो यहाँ पे जो है एफ ए पे आके क्या स्टोर हो जाता, यहाँ पे 5 आके स्टोर हो जाता। तो यहाँ पे क्योंकि जीरो जीरो है इसलिए जीरो ही स्टोर रह गया, क्लियर। अब लास्ट हॉल्ट है, हॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर अपना एग्जीक्यूशन उसके बाद बंद कर देगा और फाइनल प्रोग्राम काउंटर का जो मेमोरी लोकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 000A। एक्यूमुलेटर का रिजल्ट जो हो जाएगा वो 00 हो जाएगा और एफ ए लोकेशन पे यानी आउटपुट पोर्ट पे क्या स्टोर हो जाएगा, जाके 00 स्टोर हो जाएगा। जबकि आपका जीरो फ्लैग और आपका पैरिटी फ्लैग क्या होगा, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, जबकि बाकी फ्लैग क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल सा ऑपरेशन था। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे, ये हमारा इंस्ट्रक्शन था पहला, मतलब पहला प्रोग्रामिंग था। अब हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे जो कि गेट में पूछा हुआ, आईसी पे बेस्ड। तो देखिए जंप पे बेस्ड दूसरा प्रोग्रामिंग क्या कहता है, देखिए इसमें पहला प्रोग्रामिंग और दूसरा प्रोग्रामिंग का क्या फ़र्क है, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 22 में कि ये जो पहला प्रोग्रामिंग था इसके बाद यहाँ पे और ऑपरेशन था, यानी पहला इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे और ऑपरेशन था, जबकि यहाँ पे क्या है, उस लॉजिकल ऑपरेशन को हटा दिया गया। लॉजिकल ऑपरेशन की वजह से साइन फ्लैग वहाँ पे निगेटिव हो रहा था, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन हम करेंगे नहीं तो साइन फ्लैग निगेटिव हो गई नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहला काम करते हैं सारे फ्लैग को, सारे मेमोरी को क्लियर कर दें। बार बार मैं यही बोलता हूँ, जब भी आप नया प्रोग्राम खोलिएगा तो पहले सारे मेमोरी, सारे फ्लैग, सारे रजिस्टर को क्लियर ऑल कर दीजिएगा, यानी रिसेट ऑल। उसके बाद असेंबलर से असेंबल कीजिएगा तो यहाँ मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम असेंबल सक्सेसफुली। उसके बाद आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। तो पहला लाइन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ए में आपका चला जाएगा क्या, 92 चला जाएगा, तो ए में 92 आ गया। दूसरा कह रहा है जंप इफ प्लस इज देयर, यानी रिजल्ट अगर आपका प्लस है, यानी यहाँ पे तो सिंपली क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं। इसके बाद अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता तब तो साइन फ्लैग जनरेट होता या कैरी फ्लैग जनरेट होता, यहाँ तो कोई इंस्ट्रक्शन उस तरह का जनरेट, उस तरह का इंस्ट्रक्शन कोई एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है, कोई भी फ्लैग को इफेक्ट नहीं करता है। जब आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पढ़ाया गया तो बताया गया था कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्लैग जीरो है सारा का सारा जीरो रहेगा, कोई फ्लैग चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन फ्लैग क्या है, जीरो है पहले से, साइन फ्लैग जीरो है तो क्या होगा, ये प्लस है, यानी जो आपका कंटेंट 92 है वो हो जाएगा पॉजिटिव 92 हो जाएगा। तो अब क्या है, कह रहा है जब प्लस हो, जंप इफ रिजल्ट इज प्लस पॉजिटिव, तो कहाँ जंप करना है, आउटपुट पोर्ट पे। तो यहाँ पे जंपिंग होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है, साइन फ्लैग निगेटिव नहीं है, इसलिए जंपिंग हुआ। तो अब इसके बाद कहाँ जाएगा प्रोग्राम काउंटर, जंप करके चला जाएगा न्यू लोकेशन पे, जो जहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट पोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जॉर ऑपरेशन वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ चला आएगा प्रोग्राम काउंटर आपका। तो देखिए आता है कि नहीं, देखिए जैसे ही किया तो बीच में ये स्किप हो गया, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आगे इसमें आ गया प्रोग्राम काउंटर। और इसको एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, जो आपके पास एक्यूमुलेटर में है अब क्या करेगा, आउटपुट पोर्ट पे उसको मूव करा देगा। तो हम लोग आउटपुट पोर्ट पहले देख लेंगे क्या है, आउटपुट पोर्ट में एफ ए पे जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो चलते हैं एफ ए के जगह पे। तो देखिए एफ ए के जगह पे अभी क्या स्टोर है, जीरो स्टोर है, और अब क्या स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है, 92 है। तो यानी जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका एफ ए आउटपुट पोर्ट पे 92 जाके स्टोर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट किया तो अब हम लोग आउटपुट पोर्ट को चेक कर लें, आउटपुट पोर्ट में चले नीचे, नीचे चल के देखते हैं एफ ए, एफ ए में देखिए 146 जाके स्टोर हो गया। बोलिएगा सर इसमें तो हम लोग को 92 स्टोर होना चाहिए था, हम बताया अभी कि 92 जो है हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में कितना होता है 146, तो यहाँ आके 146 स्टोर हो गया। और उसके बाद हॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, हॉल्ट के बाद क्या होगा, प्रोग्रामिंग स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद ये पता लगा कि यहाँ पे जंपिंग में कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि साइन फ्लैग जीरो था इसीलिए ये जंपिंग हुआ। यहाँ से प्रोग्राम काउंटर डायरेक्ट जंप कर गया आउटपुट पोर्ट पे, यहाँ पे जंप कर गया और उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, जबकि इसको करना चाहिए था ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो पहले एग्जॉर होता उसके बाद यहाँ आता, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंपिंग हो गया। ओके, तो ये सेकेंड आपका प्रोग्राम था एग्जाम्पल का। अब हम लोग थर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, जंप का तीसरा प्रोग्राम जो है वो देख लें हम लोग। ये देखिए ये जंप का तीसरा प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सारे मेमोरी, सारे प्रोग्राम काउंटर, फ्लैग रजिस्टर सबको क्या करते हैं, रिसेट कर लेते हैं। कर लिया
उसके बाद इसको असेंबल, सब में एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। पहले क्लियर कर लीजिए सारे मेमोरी, पहले प्रोग्राम को लिख लीजिए, लिखने के बाद सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद क्या कीजिए सारे मेमोरी, सारे जितना भी रजिस्टर उस्टर है सबको क्या कर दीजिए, क्लियर कर लीजिए। करने के बाद असेंबल करिए, असेंबल करने के बाद एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। जब एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए तो पहला प्रोग्राम, ये जो पहला आपका इंस्ट्रक्शन आएगा इसमें क्या होगा, बी में क्या मूव कर जाएगा, 03, तो बी में 03 मूव कर गया। अब दूसरा क्या हो गया, देखिए अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डिक्रीज करना है, तो बी में क्या है 03 आ गया, यहाँ पे देखिए बी में 03 आ गया। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये घट जाएगा, एक से घटेगा और ये हो जाएगा 02 हो जाएगा। करते हैं देखिए, जैसे ही ये मतलब नीचे गया तो एक घट गया ना, 03 से हो गया 02 हो गया। अब आगे ये इंस्ट्रक्शन फिर से आगे, नोप का मतलब नो ऑपरेशन, यानी कि थोड़ा देर वेट कीजिए उसके बाद आगे बढ़ जाइए, तो फिर आगे बढ़ गया, ये आया जंप विथ नो 0, कह रहा है कि 0 फ्लैग जब आपका 0 है, 0 फ्लैग अगर आपका 0 है तो लूप पे जंप कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 0 फ्लैग क्या है, 0 है, 0 फ्लैग 0 है तो आप फिर लूप पे जंप कीजिए, यानी लूप जहाँ लिखा हुआ वहाँ जंप कर जाइए। तो लूप कहाँ लिखा हुआ है, लूप यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से प्रोग्राम काउंटर जंप कर जाएगा। जंप करके कहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा फिर से प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आ जाएगा और फिर से ये एक प्रोसेस चलेगा। देखिए करते हैं होता है या नहीं, देखिए जैसे ही किया फिर से यहाँ से फिर वापस चला गया, फिर से लूप पे आ गया और लूप पे आ गया, फिर से डिक्रीमेंट होगा। अभी बी के अंदर क्या है, 02 है, तो देखिए ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ये लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया, अब 02 है, अब दूसरी बार ये चल रहा है, तो ये क्या होगा, फिर से डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए फिर से डिक्रीमेंट हो गया, 01 हो गया, फिर से डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से ये पहुँचा यहाँ पे, फिर चेक किया कि 0 फ्लैग 0 है कि नहीं, तो 0 फ्लैग 0 यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया तो फिर से लूप पे जंप कर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो देखिए फिर से ऊपर चला जाएगा, ये फिर से ऊपर आ गया, ये तीसरी बार चल रहा है, तीसरा बार। अभी क्या है, जो आपका बी रजिस्टर है वो उसमें कितना है, 01 है, फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर एक बार डिक्रीज होगा, तो देखिए फिर से एक बार डिक्रीज हो गया डिक्रीज, 00 हो गया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर से ये चेक करेगा, इसमें आया और चेक किया कि 0 फ्लैग 0 है कि नहीं, तो देखा कि 0 फ्लैग 1 हो गया, क्यों, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है बी का वो वैल्यू 00 हो गया, बी में जो कंटेंट था वो 00 हो चुका है, 00 हो चुका, तो ये वाला कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रहा था, जब तक आपका 0 फ्लैग 0 था तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। इसका मतलब यही था ना कि जंप विथ नो 0, यानी जब 0 फ्लैग आपका रीसेट है, 0 है, तब तक ये जंपिंग होता रहेगा, जैसे ही 0 फ्लैग आपका 1 हो जाएगा ये जंपिंग स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ 0 फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया, तो अब ये हम दोबारा जब रन करेंगे, आगे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये वापस नहीं जाएगा बल्कि ये हॉल्ट पे चला जाएगा। तो देखिए जाता है कि नहीं जाता है, देखिए हॉल्ट पे चला गया, यानी कि 3 बार ये लूप में एग्जीक्यूट हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार। पहले 03 था तो पहली बार में ये 02 किया, दूसरी बार में 01 किया, तीसरी बार में 00 किया, 00 जैसे होंगे ये बाहर निकल गया। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 बार। ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ था, हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल एग्जीक्यूट, यानी ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया, ये प्रोग्राम बहुत ईजी था, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम था ये। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब मज़ा आएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मज़ा आएगा। अगर सोचिएगा कि सर बता रहे हैं सुन लें और सुन के हो जाएगा, तब नहीं होने वाला है। अभी हॉल्ट को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किया, हॉल्ट देखेंगे कितनी बार एग्जीक्यूट।